विचारों से पिछड़ा हुआ हो शायद वही आदिवासी होता होगा। मतलब आई थिंक वैसे तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो जो विचारों से पिछड़ा हुआ हो शायद वही आदिवासी होता होगा। मतलब आई थिंक वैसे तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको ममत्व मात्र गुड़ की ढेली से ले सकते हैं, लेकिन परिदृश्य इतना परिवर्तित हुआ कि आज वो युवा पूर्ण यौवन से भरी युवतियां खूबसूरत अंतरतम में व्यस्त रहती हैं। उन्हें एक छोटे से झुमकों से ठेकेदार खरीद लेता है और वो ठेकेदार उन आदिवासी महिलाओं के साथ ले सकते हैं, मात्र गुड़ की ढेली से ले सकते हैं, लेकिन परिदृश्य इतना परिवर्तित हुआ कि आज वो युवा पूर्ण यौवन से भरी युवतियां खूबसूरत अंतरतम में व्यस्त रहती हैं। उन्हें एक छोटे से झुमकों से ठेकेदार खरीद लेता है और वो ठेकेदार उन आदिवासी महिलाओं के साथ साहित्य अकेडमी के कोलैबोरेशन में दो दिवसीय एक लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। इस लिटरेचर फेस्टिवल में अजमेर लेखिका मंच के दो दिन के कार्यक्रम में जैसे ही हमारा उद्घाटन सत्र होगा, उस सत्र में हमने सबसे पहले लेखिका मंच की सॉन्ग यानी एंथम का हमने उद्घाटन किया। लेखिका मंच की सभी लेखिकाओं की एक पुस्तक भी छपी है जिसमें उनके बारे में ऑल डिटेल दिया गया है और ममत्व नाम से एक पुस्तक का भी आज विमोचन किया गया। लेखिका मंच ने 1.5 साल में जो भी काम किया उसकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। हमारे बीच दिल्ली से हमारी मुख्य अतिथि वर्तिका नंदा भी हमारे साथ हैं और यहाँ के सभी स्थानीय साहित्यकार और जयपुर से, फालना से, भीलवाड़ा से और विभिन्न शहरों से हमारे बीच यहाँ बहुत सारे साहित्यकार आज मौजूद हैं। अजमेर लेखिका मंच के इस कार्यक्रम में आज पहला सत्र रहेगा महिला साहित्य और चुनौतियाँ, जो हमारे अतिथि साहित्यकार हैं वो विचार विमर्श करेंगे। सेकंड सत्र में हमारा प्रोग्राम रहेगा जिसमें हमारे स्थानीय साहित्यकार स्कूल के विभिन्न बच्चों को, 5 स्कूल के बच्चों को अलग अलग विधाओं में लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। कल हमारा जो कार्यक्रम रहेगा उस कार्यक्रम का जो पहला सत्र रहेगा वो रहेगा समाज का साहित्य पर और साहित्य का समाज पर प्रभाव। वो हमारे जो स्थानीय साहित्यकार हैं वो पैनल डिस्कशन में बैठेंगे। साथ ही दूसरा सत्र जो रहेगा वो पेपर प्रेजेंटेशन का रहेगा, जो कॉलेज के PhD शोधार्थी बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। हमारा अंतिम जो रहेगा वो पुरस्कार वितरण और हमारा जो स्थानीय लोग हैं या जो भी आर्टिस्ट कलाकार गीत गज़ल बोलना चाहे वो कहेंगे और बोलेंगे। स्कूल के बच्चों के साथ, स्थानीय के साथ हमारे बहुत सारे जो अतिथि फालना से, भीलवाड़े से और जयपुर से आए हैं, हम उनका भी यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम रख रहे हैं और उनके विचार गोष्ठी रख रहे हैं। मैं मधु खंडेलवाल, अजमेर लिखी।